हेलो, माय सेल्फ शुभम, आई एम फ्रॉम सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मेरा नाम मुस्कान है और मैं रासायनिक विज्ञान की छात्रा हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम अर्पित फ्रॉम यू नो सिस्टम। सिस्टम पार देंगे। कि मैं कृष्णव गौर, इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच से। एक्चुअली हम सभी इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच से हैं। हाय गाइस, आई एम ध्रुव यादव और मैं बहुत ही अच्छी ब्रांच से हूँ और मैंने रात को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भूत की आवाज़ निकाल के सबकी फाड़ी थी। क्या जोक मारा भाई। माय नेम इज हयाती और मुझे रसायन के साथ खेलना पसंद है। माय नेम इज तुषार वाघमारे, आई एम फ्रॉम केमिकल ब्रांच फर्स्ट ईयर। माय सेल्फ अभिज्ञान, आई एम आल्सो फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आई हैव वेरी मच मेनी हॉबीज सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, बास्केटबॉल, देन आई एम आल्सो गुड इन ड्रामा, देन आई आल्सो प्रैक्टिस अदर थिंग्स लाइक डांसिंग। अरे बस कर भाई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम अग्रवाल एंड आई एम फ्रॉम सीएसई डिपार्टमेंट। मेरे को कोडिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा। मैंने तो लाइक बहुत हेंटाई देखा है तो मेरी काफ़ी सारी फैंटेसीज पूरी हो जाएंगी। मैं तो अपने रूममेट को लेके जाऊंगा चंडीगढ़ में क्लब, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को क्लब में पहली बार एंट्री मिलने वाली है। गर्लफ्रेंड बना लूंगा क्योंकि रेशियो बहुत गंदा है। यूट्यूब पे अलाउड नहीं है ऐसी बात। ये मेरा रूममेट है, उसका आंसर है मेरा वन नाइट स्टैंड। मैं तो इससे दूर ही रहता, ये ज़्यादा ही चिपकता, मेरे को ये आधा गे लगता। एक नई दोस्त बनेगी। अरे बाप रे, कुछ भी बोल सकता हूँ। शादी। मैं अकेला बनता था जो ऑन स्पॉट सक्सेसफुल हो गया था, और अगर पूछता तो ए छोरे आएंगे क्या मेरे साथ, आना ही होगा तुझे छोरी। अप्रोच क्या, मैं डायरेक्टली पूछ ही लूँगा प्रॉम पे चलना है या नहीं चलना। प्रॉम नाइट के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी थी, पूछा मैंने चल रही है, उसने बोला चल। एक क्यूटी चलती हो गया। देख आशय, वहाँ पर प्रॉम हो रहा है, मेरे साथ चलेगा। सुना था कि सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, पता चल गया यहाँ पे आके। सो वी हर्ड इट्स अ बिग लश ग्रीन कैंपस, बट ऑल वी कैन सी इज लश ग्रीन डॉग्स मूविंग हियर एंड देयर। यहाँ आने से पहले सुना था कि 2019 में बाढ़ आ गई थी यहाँ पे और हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन करवाना पड़ा था। मैंने सुना था यहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं, पर अक्सर बात सही निकलती है कि रूमर गलत ही होते हैं। पिलर के ऊपर के क्यों घूमते थे पहले? मैंने सोचा रोपर बहुत नॉर्थ में है तो बहुत ठंडी होगा, लेकिन बहुत गर्म है भाई। हमने सुना है कि सतलुज के हॉस्टलों के वाटर कूलर से बियर आती है। मुझे एलओसी की नई डेफिनेशन पता लगी। थोड़ी मतलब वो बढ़ेगा ना, रिलेशनशिप बढ़ेगा, जैसे आप डाउट्स पूछते हो टीचर से भी पूछो तो फिर थोड़ा पर्सनल बढ़ते हैं ना। पहले मैम फिर मॉमी। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन पहले अगर नंबर नहीं है जो मोस्ट केसेस में होता नहीं लोगों के पास। अच्छा। बहुत सारी मेल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो, फिर बोलो कि सर या मैम कि ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, मेरे को समझ सा नहीं आ रहा, आप मेरे को अपना नंबर दे दो, आप मेरे को कॉल पे समझा देना प्लीज। ठीक है। एंड फिर ऐसे करते करते थोड़ी बात बात करो, उनसे मिलने जाओ, हॉस्टल के आगे डाउट पूछो, सिंपल। ठीक है समरिया। ओके सो लाइक वी आर इनटू डेटा साइंस, सो वी वर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 15-16 एलपी एंड देन आफ्टर सीइंग आवर मिड सेमेस्टर आंसर शीट्स वी वर लाइक 5 का तो लग ही जाएगा, कुछ होगा नहीं होगा।
पेपर देने के बाद लगा था IIT हो गए तो एटलीस्ट 1 CR तो हो जाएगा, लेकिन मिड सेम के बाद अब लग रहा है कि कम से कम 4 करोड़ का तो लग ही जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़, और वो भी 4? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मेटा वालों को बढ़िया पैकेज मिलता है। और मिड सेम गूगल, आफ्टर मिड सेम गॉगल्स। ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, पता नहीं 1.8 करोड़ फिर मिड सेम के बाद कम हो गया 18 लाख तक। बिफोर कमिंग टू IIT 1 करोड़, आफ्टर कमिंग टू IIT 4 करोड़, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा। पहले गूगल सोच के आया था, अभी सोच रहा हूँ यश कंसल्टिंग की वैकेंसी चालू। सारी उम्र मैं जोकर जा बढ़िया। हमारा फ्यूचर लाइब्रेरी आफ्टर 3 AM, लाइब्रेरी एट 3 AM। मगर क्यों? कि लाइब्रेरी में पढ़ाई बहुत होती है। मैं जब लेट नाइट गया तो ऑल आई सॉ वाज कपल्स ऑन द सोफा, और ये सब उनका कुछ कुछ चल रहा था, पढ़ाई तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखी। बैक साइड ऑफ CSE ब्लॉक, CS लैब, बिहाइंड द CS लैब। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, CDPC डिपार्टमेंट। फ्रेशर्स पार्टी थी और प्रोम चल रही थी, तो एक लड़का था, उसके पास एक लड़की आई और उसने उसको पूछा कि आप प्रोम पे जा रहे हो। लड़का खुश हो गया कि प्रोम के लिए लड़की मिल गई, और उसने रिप्लाई कर दिया नहीं, तो लड़की बोलती है कि आप मेरा पर्स पकड़ लो। मैं खाना खाने बैठा हुआ था, तो मेरे TA हैं कंप्यूटिंग के, वो मेरी तरफ आ रहे थे, फिर उन्होंने मेरी शक्ल देख ली, तो वो वहाँ से खड़े होके, लिटरली खड़े होके चले गए। थोड़ा मूड खराब कर दिया। एक दिन हम सब खाली 3 लोग थे मेरे दोस्त के रूम में, और मूवी देख रहे थे आयुष के रूम में, लेकिन धीमे धीमे वो 3 लोग से कब 10 लोग हो गए वो पता नहीं चला, और उस रात में 10 के 10 लोग उसी एक रूम में सो रहे थे, पता नहीं कैसे एक के ऊपर एक होके, और ये हमको सुबह रियलाइज़ हुआ कि एक रूम में 10 लोग हैं इस टाइम। हाँ, तो हमने एक बार सुमित यादव करके एक लड़का है हमारे हॉस्टल में, उसको हमने कॉल किया था, मैंने लड़की की आवाज़ में उसको बोला था कि हाय आई एम सोनाक्षी फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड आई रियली लाइक यू, आई वांट टू इनवाइट यू फॉर प्रॉम, और वो भागा भागा नीचे गया था, फिर हमने उसकी नीचे GPL भी ली थी। सो अ स्ट्रेंजर जस्ट केम इन एंड ही स्टोल माय पराठा एंड ही वाज लाइक मेरा पराठा कहाँ पर है, प्लेट कहाँ पर है, मैंने तो यहीं रखी थी। एक फनी इंसिडेंट, यहाँ पे लोग है ना 3 यूनिकॉर्न लेके घूमते हैं, बट वो दूर से 3 अंकल दिखते हैं। कौन से 3 यूनिकॉर्न? ये हमारी कीचेन की बात कर रहा है। आज जब हरप्रीत ने एक लड़के को प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया था। गद्दारी कर बे, थोड़ी गद्दारी कर बे। वियर्ड इंसिडेंट, जब मेरे पेरेंट्स आए थे और कुछ कपल्स फुटपाथ पे बैठे हुए थे, तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन था, और मेरे पापा बोलते हैं कि यहाँ बस पढ़ाई करना और कुछ मत करना। मैं एक बहुत अच्छे क्लब का मेंबर हूँ, उसे ज्वाइन कर लो। वर्स्ट एडवाइस, फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम होता है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है यार, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, फर्स् ट ईयर में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मेरे सीनियर्स अच्छी एडवाइस दिया मेरे को, अभी तक सब सही है। प्रॉम में जाओ खुल जाओगे, हम बिना जाए खुल गए। सीनियर्स ने कहा था क्लब्स बड़े अमीर है। मैं अलाउ कर दूंगा, बॉयज गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं। एक दिन के लिए कोएड हॉस्टल से लौट करवा दूंगा, जैसे मर्जी जब मर्जी घूम इधर उधर। मैं तो हॉस्टल्स को कोएड करा दूंगा। एक नया क्लब शुरू करेंगे डेटिंग क्लब नाम से, मतलब जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आप रैंडम डेट्स पे जाओ और फंडिंग भी कॉलेज करे, पूरी डेट की फंडिंग। मैं यहाँ पे मैस बंद करवा दूंगा यहाँ की, और कुछ अच्छा डोमिनोज
मैकडी, ये सब खुलवाऊंगा यहाँ पे। मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा एटी रोपा। एक पार्टी क्लब खुलवा देंगे। रात तक कैफे खुले होने चाहिए। बॉयफ्रेंड जो 10 CGP लाने में मदद करते। आई वुड ऑल्सो गो फॉर 10 CGP बिकॉज मेरा ये मानना है ना कि आप अपना गार्डन बनाओ, तितलियाँ खुद ब खुद आ जाएंगी। इसके दो आंसर्स हैं, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं। गर्लफ्रेंड, बिकॉज 10 CGP आने से गर्लफ्रेंड आने की गारंटी नहीं है, पर अगर पढ़ने वाली लड़की मिल गई तो शायद 10 CGP भी आ जाए साथ में। 10 CGP ऑलवेज, क्योंकि देखो 10 CGP मिल गई, IIT से निकलोगे, अरेंज मैरेंज हो ही जाएगी, तुम्हारी 5-6 स्थल आ जाएंगे। सीनियर्स बेस्ट चॉइस। बैचमेट, सीनियर को अगर प्रपोज मारेंगे तो उनके एक्स से बहुत पंगे होते हैं, वो नहीं करना। हाँ सीनियर, क्योंकि फॉर एग्जांपल गवी क्रिकेट में कोई भी 6 मार सकता है, पर जो स्टेडियम में मारता है ना उसका अलग सा रेंज होता है। आई विल गो टू द सीनियर बिकॉज जूनियर लड़कियाँ ही सीनियर के साथ अप्रोच करी तो हमें, हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हम सीनियर लड़कियों के साथ करेंगे। सुपर सीनियर। ऑब्वियसली सीनियर, क्योंकि सीनियर की पहले इंटर्नशिप लगी, सो डेटिंग का खर्चा वर्चा तो वही देख। सीनियर बैच में कोई अच्छा नहीं। लेकिन एक सेकंड, और मेरे पापा बोलते हैं कि यहाँ बस पढ़ाई करना और कुछ मत करना। मैं अपनी बंदी से पूछ के बताता हूँ। मैं हाथ पीछे से आगे ले आगे। वाओ, वेरी अमेजिंग। कान हिला लेता हूँ मैं अपने, कान कान कान, इयर्स इयर्स। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। राम राम भाई सारिया ने, आज मेरा IIT में क्षेत्रवा दिन और आज मैं दूंगा आपको ज्ञान। ले लो पुदीना, हरा हरा ताजा ताजा पुदीना। हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। और भाई ने स्ट्रीक लिख दिया, मालूम क्या स्ट्रीक लिख दिया, आज वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया, पता है क्यों? क्यों? डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ राव साहब। सिस्टम सिस्टम सिस्टम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बिल्लो बग्गे बिल यहाँ तक की करेगी? अरे एल्विस भाई, क्या कि कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा? ऐसे ही पोलियो की खुराक लेने से पोलियो आपके बच्चे को पड़ सकता है।